वेलकम टू स्टडी सेशन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पैसिव डिस्पर्जल हमने इसमें एक्टिव डिस्पर्जल के बारे में पढ़ लिया है जो कि ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन डिजीज में आता है ये ठीक है तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे पैसिव जो कि इनडायरेक्टली हो रहा है किसके थ्रू एजेंट्स के थ्रू एजेंट्स एनिमल एजेंट्स हो गए इंसेक्ट माइट्स फनजाए निमिटोड्स ह्यूमन बींगस फार्म एंड वाइल्ड बर्ड्स के थ्रू हो गए फेनेरजेमिक पैरासिट्स के थ्रू हो गए विंड के थ्रू हो गए क्या वाटर के थ्रू हो गए तो ये क्या होता है दूसरी कौन से थे? इन एमिनेट एजेंट्स तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें दो टाइप के एजेंट्स पढ़ेंगे एक होता है एनिमेट एजेंट्स जिसमें एनिमल्स वगैरह के पार्ट्स आगे सारे जो कि मैमल्स ह्यूमन बींग भी उसके अंदर आएंगे एक होता है एनिमेट जिसमें क्या आता है विंटर वाटर आ जाएगा ठीक है तो हम पहले लिविंग वाले के बारे में पढ़ेंगे जो कि है एनिमल एनिमेट एजेंट एनिमल एजेंट में इंसेक्ट आ जाएगा सबसे पहले वो क्या करता है टू टाइप्स के इंसेक्ट देखे गए हैं एक करते है एक्सटर्नली डैमेज एक करते है इंटरनली ठीक है ये या फिर कैरी करते हैं किसको पैथोजन को इंटरनली करेंगे या फिर एक्सटर्नली करेंगे तो जो हमारे पास जे एम एन थाउजेंड नाइनटीन फिफ्टी में क्या बताया कि दो टर्म्स से गई एक एपिजोइक बोला एक एंडोजोइक बोला एपिजोइक मतलब कि आउटर जो उसकी जो आपके इंसेक्ट है इंसेक्ट है उसकी जो पंख वगैरह है उस पर क्या करेगा कैरी करेगा पैथोजन और फर्दर स्प्रेड करेगा सारे हर जगह पर ट्रांसमिशन शो करेगा ठीक है और जो अगर एंडोजोई की बात की जाए तो क्या होगा इस पैथोजन पैथोजन है इसकी स्टमक के अंदर जाएगा और पूरी अपनी स्य, लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा इसको अच्छी कंडीशन मिलेगी और यहां आ आके फर्दर स्प्रेड करेगा जहां पर सकिंग और करेगा ठीक है तो टू तरह के तो इसमें आपने फंजाई की हो गई फंजाई होते हैं कनीडिया हो गया उसका ठीक है ओइडिया हो गया स्पमेशिया हो गया सिक्रीट होते हैं तो क्या करते हैं ये फर्दर ओडोर के थ्रू इसके अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स की तरफ और क्या करता है ये डिस्पोज हो जाते हैं इसके थ्रू ठीक है अट्रैक्शन वगैरह ये आपने पढ़ाई होगा ये किस में हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में है भी हेल्प करते हैं ठीक है थीके? इंसेक्ट्स तो क्या करते हैं ये पॉलिशनशन के साथ ही पैथोजन का डिस्पर्जल भी कर लेते हैं ठीक है अट्रैक्ट होता है पहले ये जो अच्छी खुशबू वाला होगा या फिर जैसे इसको कंडीशन चाहिए या फिर उसे क्रिएट कर रहे होंगे अच्छे न्यूट्रंस तो क्या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा वो फिर डायरेक्ट उससे पैथोजन सक कर लेगा अपने में और स्पोर्ट्स वगैरह अपने ऊपर रख देगा तो क्या करेगा उसके बाद उसको वो डिस्पर्स कर देगा हर जगह पर ठीक है तो आपने इसमें सिंपल क्या करना इतना ज़्यादा लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें सिर्फ आपको इसके एग्जाम्पल ज़्यादा जैसे जेंथोमोनास हो गया आपके पास सिट्रस कंकर कंकर बैक्टीरिया हो गया वो उसके थ्रू होता है ठीक है और फर्दर जो जो आपको एग्जांपल दिख रहे हैं जैसे यहाँ पे क्या एग्जांपल दिख रहे हैं वो भी सारे फायर ब्लाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गई ठीक है ये सारे आपको एग्जांपल्स लर्न रखने हैं ठीक है थीके? ये सारे इंसेक्ट्स के ही एग्जांपल्स हैं पूरे के पूरे इसमें दिए हुए तो आप उसको लर्न कर लीजिए जैसे ऑलिवर कैंकर में हो गया को बेसिलस कैसे जाता है कैसे कर, करता है ठीक है और उसके रिलेशनशिप क्या है एंडोजोक एपिजोइ में इसमें बताया इसमें यह बताया गया है बायोलोजिकल रिलेशनशिप है पैथोजन का किसके साथ जो कि क्या है एपिजोई ग्रुप होता है एंडोज एपिजोक ग्रुप के साथ नहीं होता सॉरी एंडोजोक ग्रुप के साथ उसके साथ होता है सिर्फ क्योंकि एंडोजोक मतलब अंदर बॉडी में जाएगा अपनी पूरी लाइफ साइकिल कम्प एडिट करेगा तो एपिसोड में आउटर में रहेगा तो इतना कोई रिलेशनशिप नहीं होता उसका उसके साथ ठीक है तो अब अगर हम इंसेक्ट्री स्प्रेड की बात कर रहे हैं तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जैसे ये हो गया आ, हम आपके पास आ, कुकम्बर विल्ड बैक्टीरियम हो गया ये फॉर द स्प्रेड करता है इसके थ्रू ठीक है तो आपने सिर्फ नेम नेम इसके लर्न रख ले ज्यादा आपको जो मैंने बताया वही लिख लेंगे इतना काफी है उसके लिए ठीक है तो जैसे यहाँ पे भी आपका फर्दर एग्जाम्पल्स है जैसे वाइट फ्लाइज हो गई बग हो गए स्केल इंसेक्ट्स हो गए इंसेक्ट वैक्टर में काम जैसे ट्रू बग्स हो गए ट्रम्पस हो गए बीटल्स हो गए एफिड्स हो गए लीफ हॉपर्स हो गए ये ट्रू बग्स हो गए ये सारे क्या करता है ये भी ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं ठीक है थीके? अगर हम एफिड्स की बात करें सेकेंड है हमारे पास एफिड्स क्या करता है एक इंसेक्ट वैक्टर होता है जो कि प्लांट वायरस और एंग को ट्रांसमिट करता है और मेजोरिटी ऑफ स्टाइल्स ठीक है बॉर्न वायरस होते हैं वो ठीक है अगर वो क्या करेगा एक एफिड स्पीशीज़ कैन ट्रांसफर द सेवरल वायरस ठीक है एक ही एफिड स्पीशीज बहुत सारे वायरस को ट्रांसफर कर सकती है एफिड जनरली अक्वायर बाय द स्टाइल बॉन वायरस फ्री फीडिंग ऑन अ डिजीज प्लांट्स ओनली अ फ्यू सेकेंड्स एंड कॉन ट्रांसमिट द वायरस एंड ट्रांसफर टू एनी फीडिंग ऑन अ हेल्थी अ सिमिलर शॉर्ट टाइम ऑफ द य क्या होता है बहुत शॉर्ट टाइम में भी एफिड्स कॉज कर लेते हैं कैसे करते हैं शॉर्ट टाइम में कॉज क्या करेंगे ये पहले स्टाइल्स के थ्रू क्या करेंगे उसके थ्रू फीड करेंगे किसी भी प्लांट के ऊपर उसमें अगर वायरस वगैरह प्रेजेंट होगा तो उससे वो सक कर देंगे ठीक है और क्या करेंगे फर्दर न्यू न्यू वेराइटीज के पास जाएंगे प्लांट्स की और वहाँ पर जाके उसको डाल देंगे उसमें वायरस ठीक है ये विद इन थर्टी सेकंड में भी और उससे कम टाइम लेता है ट्रांसमिशन ठीक है वायरस का लेंथ ऑफ टाइम दिमीस वायरली द स्टाइल बॉन्ड वायरस वेरीज फ्यू मिनट्स बॉन्डर आर्स तक जाती है ये बात ठीक है तो हम इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है तो हम सिंपल डायरेक्ट जाएंगे इस पर कि क्या क्या होते हैं हमारे पास ठीक है वैक्टर्स क्या क्या होते हैं इसके आप यहाँ पे बीन कॉमन मोजैक में होता है ये ठीक है ये क्या होता है नॉन प्रसिस्टेंट होता है ठीक है ये प्रसिस्टेंटिस्टेंट सारी इस, उसमें न, मतलब नहीं रहता है ठीक है एक इससे दूसरे इसमें चला जाता है ठीक है बीन येलो मोजैक ये भी इसी तरह होता है ये भी नॉन प्रसिस्टेंट होता है पीन जब, जब पी इंटिनोसैक होता है उसमें जो ए पायजम होता है वो क्या करता है वैक्टर वो क्या करता है उसके जो उसके अंदर वायरस होता है वो उसकी सारी उम्र उसके अंदर ही रहता है ठीक है और एक बीन येलोवर्स हो गए उसमें जो हमारे पास यूज़ हुआ वैक्टर वो भी क्या रहता है ये सेमी परसिस्टेंट होता है ठीक है तो आप ये पूरा का पूरा इसमें रीड कर सकते हैं ये कुछ थ्रू टू थ्री एग्जाम्पल्स लिखने हैं और ये बताना है कि कैसे कैसे होता है ये ठीक है ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें ठीक है क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन चला जा जाएगा आपका नहीं तो अगर लीफ हॉपर्स की बात करें तो लीफ हॉपर्स क्या होता है ये फ्लोइंग फीडर होता है ठीक है फ्लोइंग क्या जो हमारे पास प्लांट में होता है फ्लोइंग उस पर जाके फीड करता है ठीक है और अपने पास वायरस वायरस रखेंगे और उसको फ्लोइंग डीजन में डाल देंगे इंसेक्ट इंजेक्ट कर देंगे ठीक है और और जो भी जितने भी ही लीफ हॉपर्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं वायरस को सर्कुलेटरी ठीक है सेवर ऑफ़ द वायरस मल्टीप्लाई इन अ वेक्टर एंड सम प्रजिस्ट थ्रू द मोल्स एंड ट्रांसमिट थ्रू द एग स्टेज ऑफ द वैक्टर ठीक है क्या बोला कुछ क्या होता है कुछ प्रसिस्ट नॉन प्रसिस्टेंट होता है इसमें ठीक इसमें भी नॉन प्रसिस्टेंट है मतलब कि ये क्या करेंगे सिंपल उसके अंदर जाएंगे और फर्दर एग इससे दूसरे इसमें स्प्रेड करते जाएंगे अपनी पूरी साइकिल नहीं करेंगे शो बट कुछ क्या होता है प्रसिस्टेंट होता है जो क्या करता है उसके अंदर ही रहता है अपनी पूरी लाइफ साइकिल करता है एग्स के थ्रू क्या करता है आगे ट्रांसमिट होते हैं ठीक है अगर हम बात करें तो लीफ हॉपर्स की तो वैक्टर रिक्वायर अ फीडिंग पीरियड ऑफ वन टू सेवरन डेज बिफोर दे कैन वायरल वायरली फीरियस बाय वंस दे हैव एक्वायर द वायरस दे मे फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ ठीक है अगर एक बार उसने एक्वायर कर दिया वो वायरस तो वो पहले क्या होता है वो बहुत टाइम लेते हैं कुछ दिन लेंगे वायरस को अपने ऊपर जर्मिनेट करने के लिए अच्छी तरह से जैसे एक बार उसमें वायरस हो गया तो वो सारी उम्र वो वायरस को फैलाते रहेंगे ठीक है इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है सर एक से दो हफ्तों का होता है इसमें ठीक है जो लाइफ हॉपर्स का होता है वायरस की ट्रांसमिशन के लिए या फिर आ, उसको जर्मिनेट करने के लिए अच्छे से ठीक है अगर हम माइट्स की बात करें माइट्स में क्या होते हैं एप्विफॉइड माइट्स होते हैं ट्रेट्राइंड स्पाइडर्स हो गए माइट्स हो गए वो क्या करते हैं प्लांट वायरस को वो भी क्या करते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट को फैलाते हैं और बाकी जो जितने भी प्लांट स्पीशीज हैं उनमें स्प्रेड करते हैं ठीक है फंजाई की बात होगी फनजाई में क्या होता है आपके पास ये भी होता है सॉइल वन फंगल प्लांट्स होते हैं जो पैथोजन को ट्रांस पैथन होता है जो ट्रांसमिट करता है जैसे प्लांट वायरस हो गए ठीक है अगर वायरस की बात करें तो बॉर्न इन ऑन द रेस्टिंग स्पोर्स एंड द जू स्पोर्स इन पे क्या हो जाता है इनपे रहते हैं ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं फंजाई को भी खराब कर फंजाई पे रहेंगे उससे सर्वाइव करेंगे फिर क्या करेंगे फर्दर वो प्लांट्स में स्पेरी कर देंगे ठीक है ऑल द फंजाई आर पैथोजन ऑफ द होस्ट दे कैरी ऑफ द वायरस ठीक है और द जू स्पोर्स जू स्पोर्स की बात करें आपका फंजाई आर रिलीज फ्रॉम द होस्ट एंड द जू स्पोर्स कैरी वायरस एंड ट्रांसमिट इन द स्पेसिफिक होस्ट ड्यूरिंग द इन्फेक्शन प्रोसेस ये सिंपल लाइन से आपको समझ आ जाएगी ठीक है इसका एग्जाम्पल टोबैको मुजिक वायरस हो गया कुकबर मुजिक वायरस हो गया तो सिंपल क्या हुआ उसमें सिंपल फंजाई के ऊपर वायरस रहे वायरस ने क्या किया जूसपोर्स के थ्रू क्या कर दिया स्प्रेड कर दिया ये फर्दर ठीक है वायरस लाइक ल्यूटिस बिग वन वायरस फाउंड इन साइड द जू स्पोर्ट द पीरियड ऑफ ईयर इन दस्टिंग्स स्पोरेंजिया रेस्टिंग्स स्पोरेंजिया थे उसके अंदर भी वायरस मिलता है उसी तरह से स्प्रेड होता है ठीक है तो इसमें हम थोड़े से एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे सिंपल पहले हो गया ऑलपीडियम ब्रेस के वो क्या कर ल्यूटिस बिग वेन में होता है लिटिस ने क्रॉसिस करता टोबैको स्मेट करता टोबैको मुजेक सेटेलाइट ये सारे डिजीज़ करता है ठीक endo, है एंडो एंडोबायोटिकम ये पोटैटो क्या होता है स्पोजोस्पोरा सब ट्रेना सब ट्रेना सॉरी ठीक है यह पोटेटो मोपटोप भी यूज uh, क्या करता है डिजीज स्प्रेड करता है नेमोटोड्स की बात करते हैं ठीक है नेमोटोड्स क्या होते हैं ये सॉइल बॉर्न ऑर्गनिजम्स होते हैं जैसे कि आपके पास क्या हो गए Uh, कुछ पैथोजेनिक uh, फंजाई को ये स्प्रेड करता है जैसे तो तो गया, गया इन सबको क्या कहते हैं स्प्रेड करते हैं ठीक है, है नेमेटोड्स हेल्प इन पैथोजेनिक इन टू तो एंटर द होस्ट क्या करते हैं उसको पंचर करने में हेल्प करते हैं uh, होस्ट में एंटर करने के लिए कर, कर, करते हैं उसके बाद क्या करेंगे ये खुद एलॉन्ग नीमोटोड्स के साथ खुद फंजाई उसमें सर्वाइव करा होता है खुद नेमोटोड्स भी जिंदा होते हैं तो क्या करते हैं फर्दस उसके स्पोर्ट वगैरह को फैलाते रहते हैं ठीक है नेमेटोड वैक्टर ट्रांसमिट वायरस वायरस भी ट्रांसमिट करते हैं फीड करते हैं जब वो रूट पे किसी प्लांट की स्टेड पे क्या करता है फीड करते हैं उससे अपना न्यूट्रिशन ले देते हैं तो क्या करते हैं उसका लार्वा वो उसमें छोड़ देते हैं नेमेटोड्स ठीक है और आ, क्या करते हैं लार्वा उसके ऊपर रख देते हैं तो उससे भी क्या हो जाएगा फर्दर ग्रो करेगा लार्वा फर्दर और क्या करेगा फर्दर वायरस से फुल होगा वो लार्वा और डिजीज स्प्रेड कर देगा ठीक है थीके? वो खुद भी निमेटोड्स क्या करते हैं डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं इसमें जब वो सक वगैरह कर रहे होते हैं ठीक है अगर माउंटिंग की बात करें तो लार्वा क्या करता है लार्वा और रिजल्टिंग एडल्ट मस्ट फीड ऑन अ वायरस सोर्स बिफोर दे कैन ट्रांसमिट अगेन ठीक है अगर आ, इसके इसमें आपका क्या आ जाता है बहुत सारे आ जाते हैं जैसे कि जाइफेमा हो गया लोंगी हो गया ट्राइकोडोरस हो गया ट्रांसमिट बोथ द एंड ट्रिबुलर टाइप ऑफ वायरसेस ठीक है तो द इम्पॉटेंट वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय नेमोडोट आगी वन बिलो ठीक है इस बारे में आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए बस आपने सिंपल लिखना है कि निम्डोरस के थ्रू कैसे हो रहा है और उसके चार एग्जाम्पल बताने बस इसी तरह आपने शॉर्ट शॉर्ट में करना है ये ठीक है अटैम्प्ट क्वेश्चन जैसे टोबरा वायरस हो गया ठीक है पर्ल अली बोरो वायरस हो गया तो उसको कौन कर रहा है टोबैको रेटल कर रहा है ठीक है और उसके वैक्टर्स के बारे में पढ़ लीजिए ठीक है एक हो गया नेपो वायरस हो गया ठीक है वी वायरस ग्रुप हो गया और उसके इसमें वायरस कौन सा होता है और वैक्टर क्या है इसका ये आप पूरी तरह से लर्न कर लीजिए ठीक है अगर हम ह्यूमन की बी, बींग की बात करें ये भी क्या करते हैं बिना जानपूझ के नहीं करते ये जा, जाने अनजाने में ये भी क्या कर लेते हैं ट्रांसमिट कर देते हैं प्लांट वायरस वाईर, हो गए बैक्टीरिया हो गया ठीक है एक जगह से दूसरी जगह ठीक है तो इसमें हम पढ़ते हैं कैसे कैसे करता है वो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन ट्रांस्ट। ऑफ सीड्स सीड्स के थ्रू करेंगे सीड का ट्रोड कर दिया ट्रेड कर दिया उसने ठीक है सोयाबीन सीड्स है या शुगर बीट है क्या कर दिया उसका एक इन जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं फ्रूट्स का, का कर दिया स्टॉक्स का कर दिया सभी जितने भी आपके पास क्या है सीरियल दालों वगैरह का कर लिया जितना स्टॉक्स वगैरह जिसमें अगर वायरस है या बैक्टीरिया है तो क्या होगा उससे फर्दर सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ठीक है जैसे कि हमने क्या पढ़ा इसमें सिट्रस कैंकर हो गया वो कैसे एशिया में था पहले वो फिर यूएसए में इंट्रोड्यूस हो गया फायर ब्लाइट ऑफ थी पहले वो यूएसए में थी फिर न्यूजीलैंड में इंट्रोड्यूस होगी किसकी वजह से डिस्पोजल की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से ठीक है और जैसे पाउडरी मिल है आपका पहले यूएसए में था यूरोप में ट्रांसफर हो गया डाउनरी मिल है वो यू में था फ्रांस में चला गया और बंची टॉप ऑफ बुनैना हो गया श्रीलंका में था साउथ एशिया में चला गया ठीक है तो आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स इसमें लर्न रखने हैं ठीक है थीके? अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो प्लांटिंग डिजायर डि, 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 डिजीज़ सीड मटीरियल अगर वो प्लांट कर दे डिजीज सीड मटीरियल को तो क्या हो जाता है जैसे कि ब्यूबल्स हो गए कॉन्स हो गए राइजोम हो गए क्या हो गया उनमें अगर डिजीज़ है कोई वायरस है बैक्टीरिया है तो क्या करेंगे वो फर्दर अगर उनको प्रोपोगेशन के लिए लगा दिया हमने पोटैटो को शुगर केन को बनाना को तो क्या करेंगे फर्दर डिस्पोजल कर देंगे किसका फील्ड टू फील्ड और ऑर्चिड टू ऑर्चिड सारे में वो फैला देंगे ठीक है फर्दर जैसे वो न्यू न्यू यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे ठीक है बाई अडेप्टिंग द फार्मिंग प्रैक्टिस फार्मिंग एडेप्ट जैसे कल्टिटीवेशन होगी प्लांटिंग होगी इरीगेशन होगी प्रोनिंग होगी इन सब के थ्रू जो इसका हम यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए करने के लिए वो भी क्या होने चाहिए स्टेलाइज होने चाहिए अगर उसमें इन्फेक्शन है तो वो फर्दर स्प्रेड हो जाएगा ठीक है उसके वर्थ करके क्लोथ्स हो गए शूज हो गए ठीक है अगर उसके थ्रू भी वो क्या करेगा सारे में स्प्रेड हो जाएगा ठीक है और अगर जो हार्वेस्टिंग के टाइम भी और इरीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट वाटर के थ्रू ठीक है जब वो पानी सिंचाई कर रहा है खेतों की ठीक है अगर उसमें पैथजन सिंचाई के थ्रू पानी अगर बुरी ज्यादा आगे आगे फैल जाएगा जहां तरह पानी जाएगा वहाँ वहाँ पैतोजन जाएगा वहाँ वहाँ उसकी क्या हो जाएगी ट्रांसमिट हो जाएगा डिजीज़ ठीक है बाय अडॉप्टिंग द फार्मिंग प्रैक्टिस ये पढ़ लिया हमने अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम थ्रू क्लोथिंग क्लोथिंग के थ्रू आपने पढ़ लिया कि ग्रोथ वगैरह क्या है उसमें है तो फर्दर हो जाएगा स्प्रेड बाई यूजिंग ऑफ कंटेमिनेशन इंप्लीमेंट्स जैसे कि क्या हो ये भी हमने पढ़ लिया थिनिंग कल्चर ऑपरेशन हो गए जैसे कि ठीक है कॉटन वगैरह को कट करने के लिए यूज होते हैं नाइव्स वगैरह प्रोनिंग के लिए यूज होते हैं ठीक है थीके? उनकी भी डिसेमिनेशन करनी चाहिए वरना किया जाता है इससे डरदर डिजीज का स्प्रेड हो जाता है बाय यूज ऑफ द डिजीज ग्राफ्टिंग एंड अ बडिंग मटीरियल ठीक है ग्राफ्टिंग और बडिंग मटीरियल है अगर वो हेल्दी होगा तो हेल्दी आगे प्रोड्यूस करेगा अगर उस कंटेमिनेटेड होगा तो वो कंटेमिनेटेड केयरलेस तरीके से करेंगे तो क्या क्या होगा कंटेमिनेटेड ही आगे प्रोड्यूस होगा ठीक है फार्म एंड वाइल्ड एनिमल्स जो फार्म कैटल्स वगैरह खेतों वगैरह में छोड़ते हैं यहाँ पे जहाँ पे डिजीज़ है जैसे कि एनिमल्स हो गए उनके उन पर क्या कैटल्स भी आता है फंगल स्पोर्स वगैरह चढ़ जाते हैं या फिर उन पर क्या करेगा जो भी अटैच होंगे स्पोर्स वगैरह ये फर्दर स्प्रेड हो जाएंगे या उनका डंग है जो उनका गोबर वगैरह है उसमें क्या होंगे उसमें प्रेजेंट होंगे जो भी स्टार्ट करेंगे अपनी ग्रोथ अच्छा कंडीशन मिल गई उसको जैसे कि स्मर्ट वगैरह हो गए ठीक है जैसे कि स्पोर्स हो गए जू स्पोर्स हो गए वो आगे स्प्रेड हो गए ठीक है उसमें आगे और उन्होंने अपनी पूरी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है और फर्दर उससे क्या होगा जो फील्ड होगी उसके साथ वो सारी खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि जब उसने फंगल्स की ग्रोथ कर दी ठीक है तो जो पासिंग एनिमल्स होते हैं वो टोबैको फील्ड में ट्रांसमिशन ऑफ टी एमबी टोबैको मुझे वायरस का भी करते हैं ठीक है थीके? तो हम क्या करेंगे बर्ड्स के थ्रू पढ़ते हैं बर्ड्स के थ्रू कैसे होता है ट्रांसमिशन ये क्या माइनर इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती क्योंकि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जैसे कि क्या होगा मिस्टल टच हो गए टेम्परेचर टेम्परेट रीजन से uh, इ, में क्या करते हैं वो ऑक्रोज हो गए जो ट्रॉपिक रीजनस में होते हैं वो क्या करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसमिशन करने में कि ठीक है जो भी हमारे पास क्या है बैक्टीरिया हो गया वायरस हो गया ठीक है बर्ड क्या करते हैं फीड करते हैं फ्लैशी स्टिकी और फ्लैशिजिकेटनियस बैरियर्स ऑफ द जाइंट डिपॉजिट ऑफ सीड्स एंड अदर ट्रीज विद द एक्सक्रेटा ठीक है Fleshy, stichy, excreta, उस पर फीड करेंगे उससे क्या लेंगे वो इन uh, सक कर देंगे या फिर अपनी बॉडी में ले लेंगे किसको बैक्टीरिया हो गया या फिर वो क्या होते फंजाय उनके बर्ड्स के जो विंग्स वगैरह होते हैं उस पर आ जाएगा ठीक है स्पोज हो जाएंगे ठीक है तो इस तरह से वो डिस्पोज हो जाएंगे स्पोज ऑफ द चेस्टनट ब्लाइट फंगस के भी इसी तरह से जो क्या होता है बर्ड्स बर्ड्स की स्पीशीज थी वो क्या कर रही थी उसको स्प्रेड कर रही थी ठीक है अगर हम बात करें तो इंटरनल ट्रांसमिशन पैथोजन का कैसे करता है बैरी कैरी आउट करता है किसके थ्रू सच सच्चे डिस्पोजल प्लांट एंड गेट कंटेमिनेटेड बाय द स्पोर्स बर्ड आल्सो कैरी द स्पोर्स टू तो द फनजाइया हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ठीक है अब क्या पढ़ेंगे हम फेनोजेनिक पैरासाइट फेनोजेनिक पैरासाइट्स क्या होते हैं जिससे प्लांट वायरस होता है वो ट्रांसमिट करता है वन प्लांट से अनदर प्लांट किसके थ्रू ब्रिज होता है उनके बीच किसका ट्रिनिंग स्टेम्स का या पैरासिटिक प्लांट डोडलर्स का ठीक है जो डोडलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं येलो वाइन और ग्रीन लीव्स के होते हैं ठीक है इन मैनी वेज द वायरस ट्रांसमिट प्लांट्स बिलोंगिंग्स टू द फैमिली इज वाइडली सेपरेटेड एक्सनॉमिकली ठीक है वायरस इज ट्रांसमिटेड इन द फूड स्ट्रीम्स ऑफ द डोडलर प्लांट्स बीइंग एक्वायर्ड फ्रॉम द वस्कुलर बंडल्स ऑफ इफेक्टेड प्लान्स व होस्टोरिया या डोडलर्स हो गए ठीक है उसकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है फ्लोएम के थ्रू वायरस की हो जाएगी ठीक है होस्टोरियम के थ्रू हो जाएगी इनोकुलम के थ्रू हो जाएगी ठीक है तो किस किस में हो, होती है आप पढ़ लीजिए कस्क्यूटा कैलीफोर्म कैली में होती है कस्क्यूटा कैम्पेस्टीज में होती है कस्क्यूटा एफिलिमियम में होती है जाएगा स्क्यूटा ल्यूपिली फॉर्मिस में होती है ट्रांसमिशन थ्रू इसके ठीक है फेनोरोगेमिक पैरासाइट्स के थ्रू अगर हम नेक्स्ट की बात करें ये होता है इन जो कि नॉन लिविंग है और ए बायोटेक है उसकी जैसे विंड हो गई विंड के थ्रू डिस्पर्जल हो गया ठीक है उसको हमने क्या बोला जो विंड के थ्रू होते हैं डिस्पर्जल उसको बोला हमने एनिमो कॉरी ठीक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन मैथड है किसका डिस्पर्जल ऑफ प्लांट पैथोजन का ये और डेंजरस भी है ठीक है इससे क्या होता है डिस्पर्जल हो जाता है विंड के थ्रू किसका वायरस का होगा बैक्टीरिया का होगा जैसे कि आपके पास क्या है डैम्पिंग ऑफ पैथोजन हो गए वॉड डिजीज ऑफ पैथोजन ऑफ पोटैटो हो गया रूट रॉट पैथोजन हो गया सीड और ठीक है इसमें बहुत सारे डिजीज जाते वायरस और जो फाइटोप्लाज्मा होते हैं वो डायरेक्ट ट्रांसफिट नहीं होते विंड के थ्रू ठीक है उनको क्या जरूरत पड़ती है इंसेक्ट्स की माइंड कि उनको वैक्टर की जरूरत पड़ती है ठीक है बट जो फंगस वगैरह हो गए उसके स्पोर्स वगैरह हो गए वो विंड के थ्रू हो जाते हैं स्प्रेड ठीक है थीके? जैसे खासकर फंगस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इसमें ठीक है जैसे कि हो गया मिल्ड हो गए स्मट हो गए ब्लास्ट हो गया स्कैप हो गई ये सारे क्या होते हैं ये सारे सारे के क्या होते हैं फंगल डिजीजे है, के थ्रू वाटर के थ्रू क्या होता है ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट पैथोजन किसके थ्रू होते हैं इज नॉट सिंट टू द विंड ट्रांसमिशन ऑल द वॉटर इज लेस इंपॉर्टेंट दट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजन वाटर डिसमिनेशन ऑफ पैथोजन इज मोर एफिशियंट ठीक है पैथोजन लैंड और अर्री वेंट सर्फेस एंड द वेट सर्फेस पे होते हैं और मूव क्या करता है जर्मिनेट करता है इमिडिएटली जर्मिनेट कर लेते हैं जैसे कि सॉयल इन फंजाई का फ्यूजेरियम हो गया पाइथियम हो गया स्क्रोम हो गया ये सारे क्या कहते हैं अगर उनको अच्छे पानी की कंडीशन मिल जाए उसमें ईजिली जर्मिनेट करते हैं और ये स्पोर्स उसके थ्रू कैरी होकर हल्के होते हैं ये पानी के साथ कैरी होकर क्या करेंगे फर्दर संस्प्रेड हो जाएंगे सारे में ठीक है